of Evergreen Public School. We are all here to celebrate the strength of our children, musical and dancing talents of our children. So the Almighty has given us one more chance to be grateful, to intermingle, to celebrate our achievements. Because celebration can happen only when we come together. Alone we can enjoy, together we celebrate. And this togetherness inspires us to move ahead with more resolution and commitment. So I would like to thank you all for gracing this occasion with your benign presence. Your presence is being to my words magical impact to our feelings and stir the whole campus with heart-beating rhythm. Now the chief guest has been arrived here. So I request all the people gathered here to please stand up and welcome our chief guest. It gives me immense pleasure to extend a hearty welcome to our chief guest, plus two class science topper Mehul, his father Mr. Mayaram, plus two class arts topper Mr. Lakshman and his father Mr. Harichand. Warm welcome to our PTA president EPS Seobagh, Mr. Tikamram Rana, Vice President Mr. Gopal Singh Negi, PTA President EPS Baripadar, Mr. Fateh Singh, and PTA Vice Presidents Mrs. Monica Dogra and Mrs. Madhur Veena. A cordial welcome to all the parents and of my dear students. We have with us many distinguished guests, dignitaries, and most valued parents. We are truly delighted to welcome you all on this grand occasion. I know your presence in this annual function will fill the ambience with splendor, and it will turn out to be a memorable day to cherish forever. We expect same love and cooperation from all of you in the near future also. So once again, welcome you all in this program. I hope you will enjoy the program. Have a good time. Thank you for joining us. तथा छात्रों संग आए हुए अभिभावक जन और हमारी दूसरी शाखा बारी पद्धर से प्रधानाचार्य सहित उपस्थित सभी शिक्षक दल तथा छात्रों का मैं तहे दिल से
इस एवरग्रीन पब्लिक विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। एक शैक्षिक संस्थान की नींव रखना वैसे वाकई में हमारे लिए प्रेरणादायी का स्रोत है। इस शैक्षिक संस्थान को आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व एक पौधे के रूप में बोया गया था, जो कि आज एक विशाल वृक्ष के समान उभर कर आया है। आज मैं अपने सामने होनहार छात्रों तथा उनके संग आए हुए अभिभावक जनों को देख रहा हूं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से हमारे समक्ष आज एकत्रित हुए हैं। मैं प्रतिवर्ष आप लोगों को संबोधित करते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूं, क्योंकि जो आज के युवा हैं वही कल देश के जिम्मेदार नागरिक होंगे, ऐसी मेरी कामना। एक बार फिर से मैं और हमारा समस्त शिक्षक दल अपने बच्चों के प्रति उनके माता पिता द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों की सराहना करते हैं। इसीलिए आज मुझे आप सबका स्वागत करने का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। तो चलिए संक्षिप्त रूप में मुख्य अतिथि जन महोदय का मैं परिचय करवा देता हूं। वैसे तो महोदय जी ने करवा दिया, फिर भी आप तो जानते हैं कि हमारे विद्यालय में ना कोई नेता अभिनेता मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान होते हैं। अभी तो जो छात्र जमा दो तथा दसवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उन्हीं के माता पिता को यह सुअवसर प्राप्त होता है। तो इस बार हमारे प्रथम मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं साइंस विज्ञान संकाय से मेहुल सुपुत्र श्री माया राम जी और श्रीमती मीरा जी, और दूसरे हमारे कला संकाय से लक्ष्मण सुपुत्र श्री हरिचंद जी और श्रीमती सरुचि, और तृतीय हमारी होनहार छात्रा विदुषी तनीषा सुपुत्री श्री राजकुमार श्रीमती बिमला जी, जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उनके संग आए हुए सभी मित्रगण तथा सभी अभिभावक जनों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, और अंत में दो पंक्तियों के साथ आपका अभिवादन करता हूँ। 100 चांद भी अगर आ जाए तो इस कार्यक्रम में वो बात ना होती, 100 चांद भी अगर आए तो इस कार्यक्रम में वो बात ना होती। हम जानते थे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के आने से ही इस कार्यक्रम की शान बढ़ती, आप लोगों के आने से ही इस कार्यक्रम की शान बढ़ती। फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सर्वप्रथम माँ शारदा सरस्वती की वंदना और आवाहन करना आवश्यक है, तो उसके लिए मैं निमंत्रित करता हूँ माननीय प्रधानाचार्य जी संग मुख्य अतिथि जन भी माँ शारदा का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसे मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि माँ का सम्मान हेतु आप सभी भी स्व स्थान पर कुछ निमेश पर्यंत खड़े हो जाएं शांतिपूर्वक। ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतो मे पापम दीपम करोतु शुभम कल्याणम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शोभ्रवस्त्रावृतांडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी
देवै सदा वंदिता अमां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निशेष जात्यापः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदा जाड्यन्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां। धन्यवाद। चातक देव तुल्य है। जब तक आतिथ्य सत्कार पूरा ना हो तब तक आतिथ्य निमंत्रण व्यर्थ है। तो चलिए इसी परंपरा को निभाते हुए मैं प्रधानाचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वो आए हुए मुख्य अतिथि जनों का छाया चित्र तथा स्मृति चिन्ह देकर के उनको सम्मानित करें। जो पधार तो मैं उठ
की गली गली जू